वादी झूठा। वजीर आजम इस वक्त मुसल्लत है मुल्क पे। इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ साहब पे, जो उस वक्त वजीर आला थे। इमरान साहब को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफर किया है 10 अरब रुपया, कि ये 10 अरब रुपया ले लें और पैनामा लीक्स पर बात करनी छोड़ दें, क्योंकि इल्जाम झूठा है। आज तक इमरान साहब ने ये नहीं बताया कि शहबाज शरीफ ने कब, कहाँ, किसको, किसके जरिए और कैसे 10 बिलियन रुपए आपको ऑफर किए। 22 जून 2020 को कोर्ट ने बुलाया इमरान साहब, इल्जाम लगाया था तो जवाब जमा कराएं, रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराएं, और अगर आपने जमा नहीं कराई आप झूठे करार दे दिए जाएंगे। और अगर झूठा चीनी चोर वजीर आजम नालायक और नाअहल पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेल रहा हो तो उसको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। बाबर अवान साहब को आइंदा कोर्ट में ना भेजिएगा, क्योंकि वो किसी भी हैसियत में इस वक्त सरकार के पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए पेश नहीं हो सकते। एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है, पूरी हुकूमत काबीना में डिस्कशन होती है।